अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टोकन डिज़ाइन। आज की वीडियो में हम देखेंगे ये चैट जीपीटी क्या चीज़ है जिसने पूरी दुनिया में अपना शोर मचाया हुआ है आजकल। चैट जीपीटी एक टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह काम करते हैं सारा। ये सेम लाइक इसी तरह से जैसे आप किसी दूसरे इंसान से बात कर रहे हैं, आपके जवाब का एग्जैक्ट क्वेश्चन का एग्जैक्ट रिप्लाई देगा। ठीक है, वो चाहे आप हिंदी में करें, उर्दू में करें, इंग्लिश में करें, किसी भी लैंग्वेज में करें, लेकिन वो लैंग्वेज में आप प्रॉपर उसको बताएंगे। और इसी तरह से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इलॉन मस्क ने यहाँ पर ट्वीट किया था, ये आप पढ़ सकते हैं, चैट जीपीटी इज़ वेरी गुड, कि इन्होंने इसको काफ़ी अच्छा कहा है। लेकिन इसी के मुकाबले में जो गूगल है वो इसके बारे में काफ़ी परेशान है। बहुत सारे लोग चैट जीपीटी के बारे में कह रहे हैं कि ये बहुत सारे लोगों के जॉब्स को ख़त्म कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक हेल्प के लिए टूल आया है। हाँ, इस हद तक है कि कुछ कंटेंट राइटर्स की जॉब जो है वो खतरे में हैं, लेकिन जो अच्छे कंटेंट राइटर हैं उनको फिर भी कोई मसला नहीं बनने वाला, क्योंकि जो मर्ज़ी करें उन्होंने काफ़ी जगह से डाटा इकट्ठा करके एक कंटेंट राइट करना होता है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं क्रोम पर और यहाँ पर सर्च करते हैं जी चैट जीपीटी। ठीक है, ये इस पर क्लिक करेंगे तो ये चैट जीपीटी का लोगो आ जाएगा। ये लोडिंग हो रही है साइड इस टाइम। अच्छा, ये अब आपसे पूछ रहा है आपने लॉगिन करना है या सिंगअप। तो हमने नया अकाउंट बनाना है तो जाहिर सी बात है हम सिंगअप क्लिक करेंगे। तो ये हम कह रहे हैं कि इंटर ईमेल एड्रेस या फिर कंटिन्यू विद गूगल। मैं गूगल से चला रहा हूँ इसको इस टाइम, तो जैसे ही सर्च करूँगा तो आगे मैं गूगल पर क्लिक करूँगा, आईडी से लॉगिन हो जाएगा, वो इधर आ जाएगा। इसके बाद ये हमें यहाँ पर अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिखना पड़ेगा जिससे हम इसे वेरीफाई करेंगे। Okay. इसको कंटिन्यू किया तो ये भी हमारा अकाउंट बनकर यहाँ पर सामने हमारे आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास एग्जांपल कंपैटिबिलिटी लिमिटेशन ये काफ़ी चीज़ें और रही, इसको पढ़ लीजिएगा बाद में। अच्छा, यहाँ पर आप इसका कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मैंने आपको बताया, जैसे कि इंग्लिश में, हिंदी, उर्दू, कोई भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, लेकिन जिस लैंग्वेज में भी करना है वो लैंग्वेज आपने प्रॉपर लिखनी है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ व्हाट इज मोबाइल। ठीक है जी, ठीक है जी, ये आगे से इसका आंसर टाइप करके कंप्लीट तौर पे हमें देगा कि मोबाइल फोन क्या है। जैसे हमारा चैनल जो डिज़ाइनिंग से मुतालिक है तो हम यहाँ पर ये भी सर्च कर सकते हैं व्हाट इज ग्राफिक डिज़ाइन। इंटर प्रेस करेंगे तो ये आपको काफ़ी जगह से डाटा इकट्ठा करके बता देगा। ग्राफिक डिज़ाइन इन द इज़ द आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग विजुअल कंटेंट, यानी कि काफ़ी कुछ बताएगा ये। जब तक ये आपका आंसर पूरा नहीं हुआ है, देखिए आप यहाँ पर डॉट्स आ रहे हैं, यहाँ पर आप नया क्वेश्चन इसको नहीं कर सकते, लिख लेंगे लेकिन जब ये आएगा इसके बाद आप उसको सेंड कर सकेंगे। तो जी चैट जीपीटी का एक ये काम है। इसके बाद अगर हम इसी तरह गूगल पे यही चीज़ सर्च करें तो वहाँ पर हमें डिफरेंट वेबसाइट्स मिल जाती हैं, कुछ का आंसर सही होता है और कुछ का गलत होता है, लेकिन इसमें इस तरह नहीं है। इसका तकरीबन हर आंसर जो है वो सही होगा। ठीक है जी, तो चैट जीपीटी जो था ये इतना ही था इसका तारुफ मेन। हाँ, मैं नेक्स्ट आपके लिए इस पर वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आप चैट जीपीटी को यूज़ करके कैसे अर्निंग कर सकते हैं।